बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मुश्ताक अहमद मखदूमी यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुश्ताक अहमद। इस वीडियो में मैं आपको हजरत सैयदना बिशर बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह से मंसूर एक बनी इसराइल के एक आदमी का वाक्य सुनाऊंगा। बनी इसराइल का एक आदमी था, वो जब मरने के बिल्कुल करीब था तो अपनी बीवी को बुलाया और उसको कहा, क्या मेरा वक्त करीब है, मेरे बाद रोना ना, मैं तुम्हें इसी तरह मिलता रहूँगा, मेरा जिस्म ख़राब नहीं होगा। तो औरत परेशान हो गई। जब उसकी वफ़ात हो गई तो उस औरत ने उसको एक कबूत में बंद कर दिया और अपने घर में उसको घर में तय खाना के अंदर उसको रख दिया। जब कुछ दिनों के बाद उस औरत ने उस तबूत को खोला तो उसके अंदर देखा कि उस आदमी का एक कान गल चुका था। वो बड़ी हैरान हुई और उसने कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा जिस्म सही सलामत रहेगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुमने मेरे साथ कोई गलत बात भी आज तक नहीं की और ना कोई बात गलत सुनी है, तो फिर कान क्यों ख़राब हुआ है। अभी वो सोच ही रही थी कि अल्लाह अज़्ज़ल ने उसके अंदर रूह लौटा दी, उठ के बैठ गया और उसने बताया कि एक दिन किसी आदमी ने मुझे मदद के लिए पुकारा, मुझसे मदद चाहिए और मैं उसकी मदद कर भी सकता था लेकिन मैंने उसकी मदद ना की, उसकी पुकार को ना सुना, तो अल्लाह अज़ वजल ने मुझे उसकी सज़ा दी है और आज ये मेरा कान इस वजह से ख़राब हो गया। तो नाज़रीन, रोज़ाना अल्लाह अज़ वजल हमें कई मौके देता है जिससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, हम दूसरों के काम आ सकते हैं। बहुत से ऐसे मौके हमें अल्लाह अज़ वजल रोज़ाना फराहम कर रहा होता है लेकिन हम दूसरों की मदद करने की बजाय उन पर हंसते हैं, उन्हें हकारत की निगाह से देखते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम दूसरों के काम आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें, यही इंसानियत है और यही इस्लाम का दर्ज है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाजमी इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इसी तरह की